तो भाइयों ये है गुड़गांव, जहाँ पे हर रोज का ये हाल है। और अभी बज रहे हैं रात के 8:57, ऑलमोस्ट जो है 9 बज चुके हैं। और यहाँ पे हर रोज का यही सीन है, यहाँ पे हर रोज यही ट्रैफिक होता है। अब यहाँ पे किसी भी टाइम आ जाओ, मैं तो रात के 9 बजे इसलिए बता रहा हूँ क्यों, हम ये मान के चलते हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं 6 बजे से लेके 8 बजे तक, लेकिन यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं और मैं अभी हूँ ये राजीव चौक से जस्ट पहले ही। तो अभी भी मैं यहाँ पर हूँ तो ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। और ये नंबर कितना सही लगता है यार, देखने में किसी भी VIP नंबर से अच्छा लगता है मुझे। 22BH भारत। भारत का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ये किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, वो भी तो मतलब सल्यूट है यार ऐसे बंदों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो अपने घर से बहुत दूर दूर रहते हैं और उनका पूरी लाइफ जब तक उनकी जॉब रहेगी उनको यही करना है। मतलब ये आज यहाँ पर है, फिर कहीं और पोस्टिंग हो जाएंगी, फिर कहीं और पोस्टेड होंगे, तो मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। चलो हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा था और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रैफिक मैं दूर दूर तक भी अगर यहाँ से कोशिश करूँ दिखाने के लिए तो यही है यार। अभी यहाँ पे बोर्ड आने वाला है, साइनिंग बोर्ड है एक, कि कहाँ से पे हम लोग हैं। और एक सेकेंड यार, ये ट्रक सामने आ गया, डाक पार्सल, इसके जाते ही फिर दिखाई देगा वो बोर्ड कि हम लोग कहाँ पर हैं। ये आ गया मुंबई एक्सप्रेसवे का है यार। हाँ ये सोना के लिए जो जाता है ना कट, हाँ मतलब वही राजीव चौक, तो वहाँ का है ये। तो आप देखते रहिए कैसे क्या हाल होता है यहाँ से जाना। एक मतलब ये लगा लो हर रोज एक लड़ाई लड़नी पड़ती है हम लोगों को ट्रैफिक को लेकर। चलो भाई खाली हो गया यार, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब्ड हो गया था तो उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। चलो थोड़ा तो खाली रोड मिला, लेकिन वो गवर्नमेंट का स्लोगन मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था। वो हम मतलब रास्ते नहीं बनाते कुछ और बनाते हैं, पता नहीं यार मुझे एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं वो याद नहीं आ रहे हैं। तो चलो छोड़ो, लीव इट, गवर्नमेंट के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली एक बात बता रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट सब एक जैसी होती है आई थिंक, मेरे ख्याल से, पता नहीं सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो मेरा तो यही है कि सभी एक जैसी होते हैं। तो ना मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को मतलब किसी गवर्नमेंट के फेवर में हूँ, मतलब नॉर्मल है मेरे लिए। अरे यार मुझे लगा था कि साला मुझे लगा था कि ये रोड खाली होने वाला है, लेकिन मुझे आगे दिख रहा है कि थोड़ा सा और ट्रैफिक दिख ही रहा है हल्का हल्का। और लाइटें जो ज़्यादा हो जाती है ना, रेड लाइट्स, जो ब्रेक लाइट्स जो होती है गाड़ियों की रात के टाइम में, तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आगे थोड़ा, पर मे बी हाँ ये थोड़ा कर्व है उसकी वजह से लग रहा ना। हाँ चलो शुक्र है, अभी तो मुझे बहुत दूर तक जाना है तो चल ही रहा हूँ मैं, बस देखते हैं। नॉर्मली मैं जो है बहुत बढ़िया सा म्यूजिक सुनते हुए जाता हूँ, तो आज मैं ऐसे ही चल रहा हूँ और ये मेरा पहली बार मैं ऐसी कोई वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं खुद बातें करे जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। तो वैसे थोड़ा थोड़ा अगर हम म्यूजिक चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन मे भी पता नहीं उसमें कोई कॉपीराइट्स का इशू आए तो इसलिए मैं उसको यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, अदरवाइज चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। अरे भाई एक तो हेलमेट पहन लो, एक ही ने पहना हुआ है, दूसरा कहाँ पहनेगा। वो तो शुक्र है कि इंडिया में हो तुम लोग, यहाँ पे तुम्हें पूरे गार्ड्स वार्ड्स पहन के, नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड एंड पूरी किट पहन के, मतलब पूरी किट पहन के बाइक राइड नहीं करनी पड़ती भाई। एक हेलमेट पहनने को बोला है गवर्नमेंट ने यार, सरकार ने, वो तो पहनो कम से कम भाई, वो तो हरी सभी सरकारें बोलती हैं उसको तो पहनो कम से कम। वाह इसके इंडिकेटर की लाइट ना बड़ी सही लग रही मुझे, तो मैं उसको दिखाना चाहूँगा, वो बहुत तेज़ी में जा रहा है, मैं इतना तेज़ चलाता नहीं हूँ। इसके इंडिकेटर की लाइट ब्लू ब्लू जल रही थी, बंद कर दी उसने अब, तो सही लग रही थी वो बड़ी। तो मैं चाहता हूँ इनसे पूछना कि भाई हेलमेट तो पहन लो, पर पता नहीं यार ऐसा ही है, मैं चलूँ खामा खा को मेरा सर हो जाए,
तो मैंने देखा है वीडियोस में कि ऐसे, तो मुझे लगता है कि वो वीडियोस में जो होते हैं वो उन्हीं के कुछ के खुद के बंदे होते हैं, तो उनको कुछ कहते नहीं है। ये देखो इस गाड़ी वाले को देखो, राजस्थान जाना है तो जल्दी में लगा हुआ है भाई, भाई धीरे जा, आगे जाके रोड खाली मिलेगा, पूरा भगा लियो इसको। ये देखो टेम्पो वाला भी भाग रहा है भाई, तू तो हरियाणा का ही है, आसपास का ही होगा, दूर है पता नहीं, HR 47 पता नहीं कहाँ का नंबर है। तो अभी वो ऑटो में बैठे हुए भाई मेरे को देख रहे थे वो दोनों की, ये क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, वीडियो बन रही है, उसको पता लग गया था कि ये वीडियो बन रही है। ये लो भाई फिर से ट्रैफिक, तो इस ट्रैफिक को लेके ना यार मैं अभी बड़ा परेशान, हालांकि मैं दूसरों को बोल रहा हूँ हेलमेट के लिए, मैं खुद चलते चलते बातें भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बन रही है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सेफ्टीज हैं इसको लेके, तो मेरा ध्यान तो पूरा का पूरा रोड पे ही है, टेंशन ना ले, तो मैं यहाँ पे कहीं भी इंटरप्ट नहीं होऊंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुद ही बना रहा हूँ, लेकिन खुद नहीं बना रहा हूँ। तो ट्रैफिक देख लो, हाँ नॉर्मल है, अभी स्मूथ ट्रैफिक है, अगर स्पीड से हम गुड़गांव में चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। लेकिन मैंने जब ये वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो पिछले ऑलमोस्ट एक घंटे से ज्यादा हो चुका था, जिस बीच में मैं मुश्किल से 10 किलोमीटर चला था, तो इतना ट्रैफिक था, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि यार वीडियो बना लूं। हाँ जब मैंने वीडियो दिमाग में आया बनाने से, थोड़ा सा ट्रैफिक खुल गया, और जिसमें कि ये NH 8 नेशनल हाईवे है, तो अगर हम यहाँ पर 50 की स्पीड से गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, 40-50 की स्पीड से, तो खैर नेशनल हाईवे को मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए, ये तो लोकल रोड है, गलियों में भी चलती है इतनी। तो अगर हम बहुत सारे व्लॉगर्स को या बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, तो वो तो भैया पता नहीं कहाँ पे क्या चलाते हैं, उनकी तो बात ही नहीं आ रही है। चलो अभी ये आ गया है सोना फरीदाबाद भिवाड़ी, और हमें जाना है द्वारका एक्सप्रेस वे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मुझे वो खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज को लेकर ना बड़ा इशू हो रखा है यार। अगर ये खुला नहीं मिला तो या तो आगे से टोल कटवाओ या आगे से यूटर्न मार के, बड़ा सीन होता है यार इसमें। चलो लग तो रहा है गाड़ियां जा रही है कि ये खुला है द्वारका एक्सप्रेस वे, तो मुझे भी इसी पे जाना है, तो मेरा घर यहीं से जाके आता है, गुड़गांव में ही यहाँ पे रहता हूँ मैं। तो द्वारका ये लो देख लो, ये द्वारका और जयपुर के लिए तो स्ट्रेट है, गाड़ियां जा रही है, चलो शुक्र है। लेकिन अगर हम वहां से आते ना किसी और तरफ से, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए रास्ता है नहीं। भाई मुझे हॉर्न बजाना था, सॉरी। तो अभी देखो सही गाड़ी चल रही है हमारी, और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे। आप चाहो तो देखना किस तरह से, मैं थोड़ा सा आपको मूव करके दिखा दूं हर तरफ से। तो भाई अब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसमें आपको बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा डैशबोर्ड पे, ये सेंटर स्पीकर है मेरी गाड़ी का एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे छत में भी है, तो मुझे थोड़ा सा म्यूजिक का शौक है, कभी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा अपनी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के ऊपर, बढ़िया लगेगी यार तुम्हें, बहुत बढ़िया लगेगी। पायनियर का ओल्ड स्कूल ओजो पता नहीं क्या क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको, जो कि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल है। चलो फाइनली हम लोग आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो ये कौन सा साइनिंग बोर्ड भी क्या है यार, मैंने कभी पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं हमेशा देखता नहीं हूँ। पटौदी सेक्टर 92-95 द्वारका, हाँ ये सब है, उधर ही पड़ता है, पटौदी के लिए आगे से रास्ता जाता है। और ये स्ट्रेट रोड जो है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, सीरियसली बहुत अच्छा बना हुआ है, बम्प है पूरे रोड पे, और अभी ये स्टार्ट मतलब इसका उद्घाटन तक नहीं हुआ है, ये शुरू उस तरह से नहीं हुआ है, कभी भी इसको बंद कर देते हैं, तो इस पे इतने बम्प हैं, तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा, भगवान जाने पता नहीं। पर हाँ फिलहाल जब ये खाली खाली मिलता है घर जाने के लिए, तो बड़ा सही लगता है यार। मतलब गुड़गांव जब हम पहले गुड़गांव देखते हैं ना पुराना, तो पुराना गुड़गांव हाँ बहुत मतलब उसको बोलते हैं कि बड़ा हाई क्लास एरिया हो चुका है, बट जितने भी हाई क्लास एरिया वो हो चुका है, यहाँ पे बहुत, यहाँ पर न्यू गुड़गांव जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पर मतलब हम अभी जा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एरिया, बहुत हाई क्लास,
लेकिन यहाँ पर जो पीस है भाई, अब आप देखते जाना कि मुझे रोड किस तरह का मिलेगा और मैं कहाँ पर रह रहा हूँ और जहाँ पे मैं अपनी सोसाइटी में एंटर करूँगा वहाँ तक का ये ब्लॉग होगा मेरा बस, उसके बाद तो फिर नहीं होगा, पर आप देखते जाओ। सो अभी आप देखते हैं ना कि अभी पूरा ही इसने शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू हो जाएगा तो और भी मजा आएगा, क्योंकि अभी मतलब यहाँ से ये एलिवेटेड जो रोड ऊपर से जा रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है कौन सा जा रहा है, ये हमें भी तभी पता लगेगा जब हम यहाँ पे जाएंगे। अब मुझे ना एक यहाँ पे एक रोड अगर आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाई नहीं देगा, वो साइड से मुझे दिखाई दे रहा है, वो रोड मुझे तो लगता था यार ये मेट्रो बन रही है, मेट्रो बनी वो जैसे मेट्रो पिलर्स होते हैं उनकी तरह ही एक सिंगल रोड बनाया हुआ है, मतलब सिंगल एक वो है फ्लाईओवर बहुत ऊंचा जैसे मेट्रो का होता है, और अभी पता लग रहा है कि यार वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो गाड़ियों के लिए बनाना का पर्पस क्या है, मतलब वो यूजलेस है वो। देखो अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो वो, हाँ वो जो ऊपर बीच में थोड़ी सी झलक आई थी उसकी, तो उसका तो कोई पर्पस समझ ही नहीं आ रहा, वो लग तो रहा है जैसे मेट्रो के लिए बनाया हुआ है और वो है एक्चुअली गाड़ियों के लिए, एक गाड़ियों के लिए रोड है वो। चलो भाइयों प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, और हो सके तो प्लीज शेयर भी कर देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी नया नया हूँ और नया नया होने की वजह से पता नहीं अभी क्या होगा, लोगों का प्यार तो मुझे चाहिए, अब पता नहीं कितना मिलेगा और आगे की थार जा रही है जिसका बड़ा ही लोगों को क्रेज है, बट एक यूजलेस गाड़ी है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ पसंद मुझे भी है, जब साइड में आगे खड़ी होती है ऊंचे से बैठा बंदा दिखता बढ़िया लगती है, पर जब मैं सोचता हूँ कि यार जब हम अगर मान लो मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, कोई भी मतलब फैमिली मेंबर से कोई भी जाते हैं, तो चार लोग तो इसमें ढंग से बैठ नहीं सकते, इतना बड़ा लड्डा लेके मैं करूंगा क्या, लड्डा ही हो जाएगा ना मेरे लिए, तो जो यूजलेस है वो लड्डा होता है। हमारी लैंग्वेज जो है ना, जैसे एक्चुअली हमारी लैंग्वेज ही थोड़ी हरियाणे वाली है, तो जो वो लड्डा बोलते हम जो चीज बेकार हो जाती है खराब हो जाती है उसको बोलते हैं लड्डा, लड्डा होगी तब तो भाई बंदा मैं थोड़ा पेटेंट हूँ, लग रहा होगा आपको कि हरियाणा का टच है लैंग्वेज में वो, लेकिन टच नहीं मेरी भाषा असल में, तो भाइयों न्यू है इसी बोले करूँ मैं, पर मैं बोले ना करूँ वो आदमी देख कर बोली जाए, मतलब ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ पर कहोगे तो बढ़िया लगेगी तो न्यू भी बोल लूंगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, तो कोई बात नहीं चलो जो भी है। अभी ये मजाक वाली बात हो गई थी थोड़ी सी, पर बंदा मैं पेटेंट हूँ, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ DLF, क्योंकि मैं हर रोज क्या करता हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, आप उसको देखना विद इन फाइव मिनट्स मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो क्या बताने वाला हूँ, वो DLF के रिगार्डिंग है। और एक्चुअल में मतलब बहुत से लोग सोचते होंगे यार DLF क्या है, एक्चुअल में जो DL गुड़गांव है ना वो DLF है, क्योंकि DLF ने ही इसको बनाया, और अमेजिंग यार क्या मतलब क्या सोसाइटीज होती हैं उसकी DLF की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मैं विद इन फाइव मिनट्स आपको बताता हूँ, एक तो यहाँ पे दारू के ठेकों की तो बड़ी भरमार है, पता नहीं क्या है लोग कितना पीते हैं, और यहाँ पे दारू के ठेके मतलब ये नहीं है कि आप लोग दारू मतलब दारू के सिर्फ ठेके हैं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैंने लाइफ टाइम देखे हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, पर ये देखो यहाँ पे क्या शो होती है दारू के ठेकों की, जैसे कोई मेला लगाओ, बकायदा पार्किंग में गार्ड्स होंगे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक दारू का ठेका, ये दारू का ठेका है यहाँ का लोग यार सही है ना, मैं इसके यहाँ कितना पीते हैं, और ये तो यहाँ पे कम है, अगर इफको चौक वाले पे दिखा देता तो वहां पर तो मतलब एक लगा लो कि एक तरह का मॉल बनाया हुआ है, दारू का मॉल जिसको हम बोलेंगे, एक मॉल है जो सिर्फ दारू के लिए बनाया गया है, उसपे हर कैटेगरी की हर एक दारू मिलेगी, और वहां पे पता नहीं क्या मतलब इतनी मॉडल्स होती हैं दारू बेचने के लिए, सुना है मैंने, देखा नहीं है बाहर से देखा मैंने, और बहुत कुछ है। तो चलो ये थोड़ा सा खराब रोड था उसकी वजह से थोड़ी इशू हो रहे थे, अब नॉर्मल रोड आया तो अभी चलते हैं,
तो अभी मैं आप लोगों को अपना एक सपना दिखाने वाला हूँ DLF, जहाँ पे मुझे अपना घर चाहिए। अभी यहाँ पे एक मंदिर है रास्ते में, रोड के बीच में, तो अच्छा है। रोड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, मंदिर को तोड़ा नहीं गया, तो मंदिर को इनको तोड़ना चाहिए भी नहीं, ये बहुत पुराने होते हैं, तो नहीं तोड़ना चाहिए। चलो तो आगे चलते चलते, अभी यार मैंने सुना है ये कुछ नया बना है यहाँ पे पार्टी वार्टी के लिए, कोई फंक्शंस के लिए। ये नहीं, सॉरी, ये वाला, ये ब्लू लाइट है जिसमें, ये बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा है यार। ये यदु वासुदेवा रेस्टोरेंट है कोई, तो पहले तो इसका नाम पार्टी प्लेस कुछ ऐसा था, लेकिन रेस्टोरेंट कर दिया, लेकिन है बहुत अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में एक दूसरे। तो आप लोग प्लीज अगर कोई गया हो तो बताना मुझे कमेंट करके, या किसी को इसके बारे में पता हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। ओह सॉरी, यहाँ पे मेरा घर आने वाला है, तो यार ये परफ्यूम भी ना इसको उतारना पड़ेगा, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रोड खराब था, तो अब इस रोड पे सामने ही मेरा घर है, वैसे तो बिल्कुल पहुंच ही गया हूँ ऑलमोस्ट मैं। ये भी देखो एक और दारू का ठेका, यहाँ पे इतने दारू के ठेके हैं, अबे इतनी पंचर की दुकान ही नहीं है यहाँ पे, सीरियसली बता रहा हूँ, बीच में पेट्रोल पंप नहीं मिला कोई, लेकिन दारू के ठेके। ये देखो इस पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी दारू का ठेका है, ये मॉल टाइप बना रखे हैं, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो चलो भाई, ये फाइनली मेरा सपना आ गया है, आपको दूर से दिख रही होगी कुछ कंस्ट्रक्शन चलती हुई, तो ये है मेरा सपना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बस अपनी वीडियो को एंड करेंगे, और इसके बस हाँ मैं घर पहुँचा नहीं हूँ, पहुँचने वाला हूँ, ये सब घर बन रहे हैं, DLF है ये, तो यहाँ पे मेरा घर होना चाहिए। ये इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है इसका, ये DLF गार्डन सिटी एंक्लेव भाई, यहाँ पे मेरे को घर दिला दो यार, कोई तो दिला दो सही है भाई, ये मेरा सपना है, ये है DLF गार्डन सिटी एंक्लेव, ये यहाँ का एंट्रेंस। मैं दिखाऊं यहाँ से कुछ, ये इसका एंट्रेंस, ये भी नई नई बन रही है, सही है, बहुत सही है यार DLF। वो सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है वो मेरा घर है, ये है, ये आर्मी की सोसाइटी है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी ऑफिसर्स की सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी है, लेकिन सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के ही फ्लैट्स हैं इसमें। मैं आर्मी ऑफिसर नहीं हूँ, मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, बट यहाँ पे भी मेरा खुद का फ्लैट नहीं है। हाँ, मेरे लैंडलॉर्ड जो है वो आर्मी में, जो कर्नल है आई थिंक। तो ये सारी सोसाइटी जो बिल्डिंग्स हैं, ये मेरी सोसाइटी आ गई है। तो अभी मुझे घर के अंदर नहीं जाना है, तो मैं अंदर तक लेके नहीं जाऊंगा, हाँ बट श्योर मैं उसकी वीडियो इसमें जो है डाल दूंगा, किस तरह की सोसाइटी, बहुत अच्छी है सोसाइटी, हमारी भी बहुत अच्छी है, ये सारे फ्लैट जो हैं ये हमारी सोसाइटी के हैं, बहुत बढ़िया हो रही है। तो चलो भाइयों, तस्सरियाकाल, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, और जिसने भी इसको देखा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ 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 शेयर भी करना, क्योंकि मैं बिल्कुल नया बंदा हूँ यार, ये थोड़े से बम्प फिर से आ जाते हैं ना कभी कभी, ये रहेजा आ गया यहाँ पर, तो अच्छा एरिया है ये, बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा एरिया है, ये है मेरा घर इसमें चलो थैंक यू सो मच, और ये मेरा पहला व्लॉग था, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थोड़ा सा आगे रुकना है यार, यहाँ पे बदबू आ रही है बहुत, बाहर से बदबू आई है, ताकि मैं अपने फ़ोन को बंद करके आगे जा सकूँ, मुझे किसी फ्रेंड के पास जाना है अभी, छोटा सा काम है उससे, तो उसके बाद मैं घर जाऊँगा। इस तरफ में ये जो है अंसल भी है, तो गाइज प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना मेरी वीडियो को, और कमेंट करके अपने जो है क्या कहते हैं रिव्यूज़ मुझे देना, क्या कहते हैं यार उसको, फीडबैक देना मुझे, सॉरी क्या कहते हैं यार, मतलब एग्जैक्ट क्या वर्ड बोलूँगा उसको मैं, एग्जैक्टली क्या कहूँगा, मतलब जो भी देना है यार देना, कमेंट में देना, मुझे नहीं पता, याद नहीं आता, वो माइंड से स्लिप हो जाता है।
तो प्लीज 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 थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।